हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देख लीजिए, दोस्तों दैनिक भास्कर का है न्यूज़, और ये देख लीजिए यहाँ पर संडे लिखा हुआ, संडे मतलब रविवार का, ठीक है। क्या कर रहा है भास्कर, देख लीजिए। बिहार बोर्ड के शिक्षा विभाग का आदेश, कॉमर्स सहित अन्य विषयों को 33,000 पदों के लिए परीक्षा कराए, यानी 33,000 पदों पर जो दोस्तों परीक्षा कराई। तो कौन सा परीक्षा देख लीजिए, एसटीईटी जल्द, यानी एसटीईटी जो है ना जल्द होगा, इसके रिजल्ट के बाद ही सातवें चरण की भर्ती जो है ना होगा, यानी दोस्तों एसटीईटी जो है होने वाला है, एसटीईटी होगा, इसके बाद तो सातवें चरण में हाई स्कूल के लिए जो है ना टीचर जो है ना भर्ती किए जाएंगे। दोस्तों जब एसटीईटी नहीं लिया जाएगा तो फिर जो है ना फिर जो है सातवें चरण में बहाली कैसे होगा, इसके लिए जो दोस्तों ये सही कदम है। जब तक पहले आप एसटीईटी लीजिए, एसटीईटी के बाद जो है ना इसके बाद जो है ना आप जो है ना हाई स्कूल में जो है ना माध्यमिक स्कूल में जो आप जो है ना सीटों की संख्या बढ़िए। चलिए दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है। कॉमर्स, भूगोल, हिंदी सहित विभिन्न विषयों को उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता के लिए परीक्षा होगी। विभिन्न विषयों में 33,000 पदों के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा गया। इसके पहले एसटीईटी 2019 ली गई थी, इसमें 30,665 मेरिट लिस्ट में आए और 52,000 क्वालीफाई हुए, ठीक है। पहली एसटीईटी 2011, दूसरी एसटीईटी 2019 और तीसरी एसटीईटी 2022 में होगी। तो दोस्तों आप लोग इसमें चढ़ पढ़ के जो है ना भाग लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग भाग नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा दोस्तों। अब देख लीजिए सातवें चरण में हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो है ना देख लीजिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ, स्कूलों में 1,00,000 पद पर होनी है बहाली, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 2019 में 8 विषयों को लेकर हुई थी एसटीईटी, यानी 8 विषय को लेकर जो है ना हुई थी एसटीईटी। कौन कौन से विषय देख लीजिए, लगभग 33,000 पदों के लिए बिहार एसटीईटी 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों में 8 विषयों के लिए 12,170 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी। इसमें कॉमर्स, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र विषयों के लिए आवेदन ही नहीं लिए गए थे। अब आवश्यकता अनुसार विषय के साथ गणित, विज्ञान और विषयों को एसटीईटी ली जाएगी। हाई स्कूल के लिए 7 विषयों 25,270 पद के लिए एसटीईटी हुई थी। एसटीईटी 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 26,687 पद, माध्यमिक स्कूलों के लिए जो है ना 53,715 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। इस अभ्यर्थियों परीक्षा में 17,857 अभ्यर्थियों में शामिल हुए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 21/2021 को एसटीईटी का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें मेरिट लिस्ट के सफल साथ ही क्वालिफाई व नॉन मेरिट भी दिया गया। एसटीईटी 19 के सफल अभ्यर्थियों को समान मौका मिलेगा। एसटीईटी 2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र मान्यता जून 2021 में समाप्त हो गई, उनकी पात्रता उम्र भर के लिए कर दी गई है, आगामी शिक्षक नियुक्ति में भी पात्र होंगे। तो यानी दोस्तों जो 2011 में जो एसटीईटी दिया था और जिसका वैलिडिटी जो है ना 7 साल के जो है ना दिया था, बाद में इसको जो है ना पूरा जीवन भर कारावास दे दिया गया, तो आप लोग उसमें जो है ना सातवें चरण में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह का अगर आप चाहते हैं कि न्यूज हमको मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर धन्यवाद मित्रों, ओके बाय।